हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए सामान, आज हम करेंगे थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव, और उसी बदलाव के लिए ये सामान है जो कि अभी हम यूज करके इसको थोड़ा सा चेंज लाएंगे। मैं आप देखते रहिए, मैं करूंगी, ये भी मेरी हेल्प करेंगे, इनको भी बुलाएंगे क्योंकि थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, सामान ज्यादा है। पहले इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, गर्मी बहुत है तो सामान रख दिया है यहाँ पर, और अभी हम सेटिंग करेंगे। मुझे दो कमरे जो है थोड़ा सा चेंज करने, एक ये वाला और एक वो वाला कमरा अपना बेडरूम। जो चेंजेस हैं वो अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी। और ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये मुझे रिसीव हुआ है मीशो की तरफ से। मीशो को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा रेफरल कोड है वो, आप उसको क्लिक कर मीशो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, इंटरेस्टेड हैं तो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैं अभी यूज करूंगी, इन सबके कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे नीचे, जो भी अगर आपको पसंद आए सेम आइटम खरीदने। क्योंकि मीशो पे क्या होता है कि आप खरीदारी कर भी सकते हैं और खरीदारी करवा भी सकते हैं, तो आपका मन है अगर आप इसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप बिना एक रुपया खर्च किए, बिना एक रुपया इन्वेस्ट किए अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, भाई ये चीज मुझे पसंद आ रही है अपने लिए खरीदना है, तो वो भी बहुत ईजी है, तो वो भी आप मीशो से कर सकते हैं। तो मीशो के साथ दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको मीशो के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि रश्मि हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने ये बता दिया कि खरीदारी करवा कैसे सकते हैं, तो मैं दोनों ही बता देती हूँ जो कि फटाफट बताऊंगी। चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो आज मैं मीशो पर आपको दोनों चीज बताऊंगी कि कैसे आप शॉपिंग करवा सकते हैं और कैसे आप खुद भी शॉपिंग अपने लिए कर सकते हैं। करवाने का मतलब वही है कि आप बिना एक रुपया खर्च करें, इन्वेस्ट करें, यहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं और अपनी अर्निंग चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों आप चीज़ देखेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पर सबसे पहले होम पेज आएगा, होम पेज के बाद जो भी आप कैटेगरी चुनेंगे वो चुन लीजिए। जैसे मैंने फर्निशिंग चुना, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन और आ गए हैं। तो यहाँ पे बेडशीट देखते हैं, तो पॉलीकॉटन, कॉटन और भी हैं, तो हम कॉटन ही चलते हैं कॉटन की तरफ। तो यहाँ पे कॉटन की बेडशीट के बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, जिसमें आपको 400, 500, 300 सब रेंज में आपको बेडशीट मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है वो व्हाट्सअप नाउ का है। तो मान लीजिए ये हमें दीवान सेट पसंद आ गया, हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पर हम पहुँच गए अपने व्हाट्सअप पर। व्हाट्सअप पर आप जो भी आपने ग्रुप बनाया हुआ है या जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं वो आप शेयर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने कर दिया शेयर। तो ये तो है खरीदवाने का कि आप काम करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके पास पिक्चर पहुँच गई है, अगर वो उनको पसंद आता है आइटम फिर आगे का काम शुरू होता है। तो दोनों चीज़ बताऊँगी, ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि वो शेयर करने के बाद अगर उनको पसंद आ जाता है तो यहाँ पर ना आपको क्या करना है, फिर आगे चलना है, प्रोसीड करना है, ऐड टू कार्ट करना है। उसके बाद ये ऑप्शन पूछेगा आपसे कि भाई आप पैसे कैसे दोगे, कैश ऑन डिलीवरी करवाओगे, फ़ोन पे करवाओगे, कैसे करवाओगे। तो वो आपकी मर्जी है, आप खुद खरीद रहे हो या खरीदवा रहे हो तो वो आप देख लीजिएगा कैसे करना है। मैंने कैश ऑन डिलीवरी चुन लिया है। उसके बाद ये आपसे फिर बोलेगा कि भैया यहाँ पे प्रोसीड का बटन दबाओ, आगे चलो। अब हम आगे आ गए हैं। आगे आने के बाद अब यहाँ पर है, अगर आप देखिए अपने लिए खरीद रहे हैं तो आपको मार्जिन सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे को खरीदारी करवा रहे हैं, कमाई करना चाहते हैं, तो ये 830 रुपये का था दीवान सेट, इस पर हमने 20 रुपये अपना मार्जिन सेट कर लिया, 850 कर दिया, यानी हमारी 20 रुपये कमाई हो गई। तो यहाँ पर अब क्या करना है, अगर आप अपने लिए मंगा रहे हैं तो अपना एड्रेस डाल दीजिए, अगर आप दूसरे के लिए मंगा रहे हैं तो उनका एड्रेस डाल दीजिए, उनके घर पहुँच जाएगा, उनका फ़ोन नंबर, उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। अगर अपने लिए मंगा रहे हो तो अपना एड्रेस डाल दीजिए। तो बस ये करना होता है। इसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव एड्रेस कर दीजिए, फिर आगे का भी वो बोलेगा प्रोसीड, कंफर्म, ये सब करने के बाद वो आइटम जो है आपको मंगाना है आपके घर आ जाएगा, उनको मंगाना है उनके घर चला जाएगा। बस यही सब करना होता है। अब तक हमने बात की कि शॉपिंग कैसे कर सकते हैं और करवा सकते हैं, अब बात करते हैं सुरक्षा की, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा है, बाद में शॉपिंग करना और करवाना। तो मीशो ने उसका बहुत ध्यान रखा हुआ है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट आप कर सकते हैं, ओटीपी वगैरह आएगा वो आपको देना होता है। ओटीपी सिर्फ मीशो का ही दीजिएगा, दूसरा मत दे दीजिएगा अपना पर्सनल कोई, उसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर्स जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, मीशो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में काम करना है, उनका रोज़ाना टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मीशो बहुत अच्छी कर रहा है। हम यहाँ के पर्दे उतारेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हमने व्हाइट कलर के पर्दे मंगाए हैं, ये वाले,
जो मैंने मीशो से मुझे मिले हैं, ये वाले, ये नेट के पर्दे हैं इस तरह के। तो ये मैं क्या करने वाली हूँ कि अपने पर्दे थोड़ा सा, देखिए क्या होगा, इन सब चीजों को करके थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, बाद में देखते हैं लास्ट में, लेकिन मुझे लगता है ऐसा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि तीन पर्दे हैं, तो तीन पर्दों के बीच में हम मेहरून के बीच में एक व्हाइट डाल देंगे, जिससे मुझे लगता है बहुत अच्छा शायद आए खिलकर। लास्ट में देखेंगे, आप लोग बताइएगा। तो चलिए करते हैं, खिड़कियां भी खोल देते हैं थोड़ी, ताजी हवा आ जाए। तो वहां पर पर्दे आपको और भी मिल जाएंगे जैसा मैंने मंगाया है उस टाइप में, लेकिन मेरा क्या था कि मेहरून के साथ लाइट कलर ही जाता, डार्क तो जाता नहीं, तो इस वजह से मैंने जो है वाइट बोल दिया था। मैंने कहा वाइट ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वाइट दो पर्दों के बीच में एक वाइट कर देंगे, जिससे मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा मेकओवर हो जाएगा घर का, कमरे का, घर का नहीं कमरों का हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर तीन पर्दे थे खिड़कियों पे, वहाँ पे दो मैरून एक वाइट कर देंगे, और यहाँ पर जो दरवाज़ा है इधर हमारे चार पर्दे थे मैरून, यहाँ पे भी दो मैरून और एक वाइट कर देंगे। आप इस कमरे में आए हैं, इस कमरे में भी पर्दे हो रखे हैं, बाकी पूरा जैसे डस्टिंग वगैरह होता है रोड पे मारना, वो हम रोज़ का काम करते हैं, तो हमारे जो पर्दों की रोड है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं, गंदी नहीं है, क्योंकि वो हम रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये भी मैं अभी दिखाऊंगी, बेड के आगे डालने के लिए हमने मंगाया है, मैं तो पायदानी बोलती हूँ, रनर वगैरह, रनर तो नहीं, रनर तो बेड पे डाला जाता है आगे की तरफ, चलो जो भी है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है इधर की साइड डालेंगे बहुत अच्छा लगेगा। पायदान वो होता है जिसपे हम चप्पलें वगैरह पूछ लेते हैं, ये वो है जिसको हम बस ऐसे ही सुंदर सा दिखाने के लिए, कमरे को लुक चेंज करने के लिए डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि ये मुझे लाइट कलर का ही मंगाना चाहिए था, ब्लैक कलर का बेड है, ब्लैक कलर का ये हो गया, तो थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो बेड शीट भी आज मैं जो है वाइट कलर की लगा रही हूँ, क्योंकि कमरे में थोड़ा सा वाइट चेंज आया है, तो बेड शीट भी वाइट अच्छी लगेगी, और वैसे भी मैंने ये देखा है कि मेरे इस बेड पर जो है लाइट कलर की बेड शीट अच्छी लगती है। मुझे और भी लाइट कलर की एक आधी बेडशीट लेनी है, दिवाली से पहले लेंगे वो। तो यहाँ पर जो है बेड भी सेट कर दिया है, सुबह से नहीं किया था पर्दों के चक्कर में, मैंने कहा मैं जब पर्दे वगैरह करूँगी तभी मैं इसको सेट करूँगी अच्छे से, और फिर बच्चों की क्लास भी लग जाती है बीच में, तो यहाँ पर मैंने कहा चलो हल्का सा कपड़ा भी कर देते हैं, हालांकि साफ़ होता है क्योंकि रोज़ाना डस्टिंग होती है, और मैंने सोचा कि यहाँ पर से हम वो गुलदस्ता जो है ख़राब सा हो गया है तो उसको हटाकर एक टेडी बियर इधर और एक टेडी बियर तो उधर रखा ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये पर्दे हमने जो यहाँ पर मेन गेट पे दरवाजे पे, इधर हमने मैरून और वाइट नहीं किया क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा था एक मैरून एक वाइट, क्योंकि दो मैरून के बीच में एक वाइट अच्छा लगेगा, या दो एक जैसे पर्दों के बीच में लाइट कलर या डार्क कलर अच्छा लगेगा, लेकिन एक एक ये थोड़ा अटपटा लग रहा था, फिर हमने दोनों वाइट कर दिए, और इधर की साइड हमने दो मैरून और एक वाइट कर दिया है, बाकी इधर जो है बेडशीट आपको पता ही है वो वाली बिछा दी है, बाकी कमरा जो है अच्छा लग रहा है छोटे मोटे चेंज से। और इस तरह के छोटे मोटे चेंज ना अच्छे लगते हैं, मन भी खुश होता है करते वक्त, और दूसरा हमें भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा घर में कमरों में चेंज आ जाता है। और बेड की साइड इधर हमने नीचे वो जो मैंने दिखाया था वो डाला हुआ है, ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अटपटा, ये भी बोल रहे थे कि वाइट वाला हम बाज़ार से ले आएंगे, यहाँ पे हम वाइट वाला डाल देंगे, या फिर मैं मीशो से भी मंगा लेती हूँ खुद भी अपने पैसों से भी, तो मैं मीशो से मंगा भी सकती हूँ। तो ये पर्दे देखिए मैंने दिखाई दिए आपको, अब चलते हैं हम उस कमरे की तरफ। उस कमरे में देखिए यहाँ पे हमने जो है खिड़कियों पे दिखा रही हूँ पहले, तो दो पर्दों के साथ वही किया है हमने, एक वाइट कर दिया है, आप लोगों को दिखाया भी है, लेकिन एक बार फाइनल वाला दिखा रही हूँ। इधर भी हमने दो पर्दों के साथ जो है वाइट वाला कर दिया है, और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का सामान। ये दिया है, ये जब मैं दो तीन दिन बाद इसमें जोत लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी, मंदिर भी मैं दो तीन दिन बाद ही साफ करूंगी, वो तभी मैं आपको दिखाऊंगी उस टाइम पे। आज मैं मंदिर नहीं किया, पूरा रूम हुआ, मंदिर भी होना चाहिए, लेकिन मंदिर मैं दो तीन दिन बाद करूंगी। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना कांच का, ये मैंने इसलिए मंगाया, जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं काम कर रहे हैं, जोत लगाई है तो वो पंखा चलाते ही हैं, गर्मियाँ हैं तो ये अब जोत जो है ठंडी नहीं होगी पंखे से, अपने आप वो जलती रहेगी जोत। दूसरी चीज़ ये साइकिल है, इसको हमने एज अ शोपीस जो है यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको जैसे मुझे सूट वगैरह की फ़ोटोज़ लेनी होती है उसके साथ भी मैं रख के इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो है तो ये शोपीस ही, आप इसको अपने ऑफिस में या डाइनिंग पे या किसी भी मेज वगैरह पे आप रख सकते हैं। तो मेरे को इसकी जगह यहाँ मिली, यहाँ अच्छा लगा तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। देखिए इस तरीके से कैसा लग रहा है बताइएगा। साइकिल बहुत अच्छी लगी, बच्चे बहुत अच्छे खुश हो रहे थे, बच्चों को अच्छी लगी, लेकिन मैंने कहा नहीं हाथ नहीं लगाना टूट जाएगी।
और एक चीज़ ये देखिए बहुत ही अच्छी लगी मुझे, ये आप ठेली है, इसको आप ट्रे भी बोल सकते हैं, ट्रे बोल नहीं सकते, ट्रे ही है ये, तो इसको आप जो है चाय वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर नमकीन वगैरह भी रख सकते हैं, या डाइनिंग पे रखकर अचार के डब्बे वगैरह भी रख सकते हैं, या फिर एज अ शोपीस भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। और उसके बाद जो है मैं आपको अगली चीज़ दिखाती हूँ, ये आप दीवार पर हैंग कर सकते हैं, कैंडल स्टैंड है ये, कैंडल स्टैंड बहुत अच्छे लगेंगे मुझे लगता है, दो का सेट है ये इस तरीके से। ये ग्रीन ग्रीन जो आ रहा है ना बीच में, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा गोल्डन होता तो अच्छा लगता, लेकिन विपिन बोल रहे थे मैं पेंट कर लूँगा, मैं ठीक कर दूंगा, तो ये लास्ट चीज़ है ये। तो जितना भी सामान था सारा मैंने आपको दिखा दिया है, सारा ही बहुत अच्छा है, थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है, थोड़ा सा जुकाम वगैरह लगा हुआ है, आप लोगों ने कमेंट में बोला भी है, क्योंकि वॉइस ओवर में पता चल रहा था जो वीडियो आज गया है उसमें, आज फ्राइडे, ये सैटरडे में जाएगा। तो ये जो सारा सामान है बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी तभी मैं इस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी थोड़ा ठीक है दवाई लेकर, तो सामान मैं लगाती, लेकिन अभी क्या चीज़ है देखिए, जैसे कि यहाँ पे सूट वगैरह रखे रहते हैं इधर उधर, तो थोड़ा सा वो रहता है, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया, मैंने कहा जब हम दुकान बना लेंगे सूट का बाहर चला जाएगा तब हम जो है अच्छे से इस रूम को सेट करेंगे, सारे रूम सेट होंगे, अभी धीरे धीरे कुछ चेंज और भी होने वाले हैं घर में, वो आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा, श्राद्ध के बाद शुरू होंगे, क्योंकि कोई भी हम मिस्त्री वगैरह घर में श्राद्ध में नहीं लगा सकते हैं, कोई भी नया काम हम श्राद्ध में शुरू नहीं कर सकते हैं, तो वो शुरू होगा श्राद्ध के बाद, उन भैया को बुलाएंगे दिखाएंगे, सबसे पहले हमें मंदिर का कराना है, भगवान की जगह करवानी है, इस बार सारी चीज़ें उसके बाद होंगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब मंदिर बनना शुरू होगा। मंदिर क्या मैं घर में मैं समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन वो जो रूम दिखाया था ना पेटी वाला रूम, उसी में हम एक जैसे होता है ना पार्लर वगैरह में लकड़ी की दीवार करवा के, तो वो दो हिस्सों में बट जाता है, तो वो पूजा रूम भी हो जाएगा, स्टोर रूम भी हो जाएगा, और उसमें ही हम दीवान वगैरह जब होगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर सा आइडिया है मेरे मन में, और अभी तो वो नहीं होगा, श्राद्ध के बाद होगा, ये पहले लकड़ी वाले भैया को लाएंगे, उनको हम दिखाएंगे, उनसे हम पूछेंगे कितना तक खर्चा आ जाएगा, जितना भी खर्चा आएगा उससे क्या होता है कि 2-1 हज़ार ऊपर ही या 10 हज़ार ऊपर ही लगता है, जैसे कोई बोला अभी 10-15 हज़ार लगेगा इस काम में, तो वही है कि 20 लगेगा, ये सोच कर चलना चाहिए, क्योंकि फालतू लगता ही लगता है, हम लोग भी फिर मन में ये सोचते हैं यार ये ऐसे करा लें, ये ऐसे करा लें, कुछ मिस्त्री लोग होते हैं वो आइडिया देते हैं इसको ऐसे करा लो उसको वैसे करा लो, तो वो चीज़ें तो खैर अभी बात की हैं, श्राद्ध भी अभी ख़त्म नहीं होंगे, अभी तो 5 मेरे ख्याल से 5-6 नहीं, अभी 7-8 श्राद्ध बाकी है उसके बाद, तो अभी हम इस वाले वीडियो को यहीं बंद कर देते हैं, यहीं एंड कर देते हैं, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, छोटा सा चेंज घर में, बाकी चीज़ें जो हैं हमें ड्रिल मशीन वगैरह की ज़रूरत थी, अगर हम उसको यहाँ लगवाते हैं, वो जो कैंडल वाला था कैंडल स्टैंड, लेकिन वही है कि अभी मैंने सोचा कि रहने देते हैं, जब आगे आगे घर में बहुत सारे चेंज होने वाले हैं तो तभी हम करेंगे, एक साथ नहीं होगा, थोड़े थोड़े टाइम के अंतराल पे होगा, जो कि इस घर में आने के बाद जारी है, जब आए थे तब भी थोड़ा सा चेंज किया, फिर थोड़ा सा रुके, क्योंकि होता ही है ना पैसे खर्च करके एकदम से, फिर ये तो नहीं है कि एक साथ ही ख़त्म कर लो, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा टाइम लिया, फिर काम करवाया, फिर थोड़ा सा टाइम लिया, फिर थोड़ा सा काम करवाया, फिर थोड़ा सा काम कराएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो फिलहाल हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।